चतुर्थ अवके भाया बनो, आप लोग का समाचार ठीक है ना? बढ़िया से रहिए, लॉकडाउन है, बढ़िया से घर में रहिए, पढ़िए लिखिए, माता पिता की सेवा कीजिए। जो नहीं आता है यहाँ लिखते हैं तो माता पिता से भी सलाह लेके उसका अर्थ लिखना चाहिए। घबराना नहीं है, लॉकडाउन टूटेगा तो हम लोग की भेंट होगी, उसमें हम लोग मिलकर फिर जो भी कमी बेसी है उसको हम पूरा कर देंगे, इसलिए घबराना नहीं है। जो भी होमवर्क देते हैं उसको आराम से बनाना है। जैसे ये पांचवा पाठा है, इसमें है फलम पत्ति, फल गिरता है, फलम वृक्षात पत्ति, फल कौन चीज से गिरता है तो वृक्ष से गिरता है, फलम कूता पत्ति, फलम कहाँ से गिरता है तो फलम वृक्षात पत्ति, फल वृक्ष से गिरता है। उसी तरह आगे है कि छात्र आगच्छति, विद्यार्थी आता है, छात्र विद्यालयात आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है, छात्र कुतः आगच्छति, छात्र विद्यार्थी कहाँ से आता है तो छात्र विद्यालयात आगच्छति, छात्र कहाँ से आता है तो विद्यालय से आता है। उसी तरह से है पाषाण पतति, पत्थर, पाषाण मीन पत्थर, गिरता है, पाषाण पर्वतात पतति, पत्थर कहाँ से गिरता है तो पर्वत से गिरता है, पाषाण कूत पतति, पाषाण माने पत्थर कहाँ से गिरता है तो पाषाण पर्वतात पतति, पाषाण पत्थर कहाँ से गिरता है पर्वत से गिरता है। उसके बाद एक और है महिला आगच्छति, महिला आती है, महिला मंदिरात माने मंदिर से आगच्छति आती है, महिला कुता आगच्छति महिला कहाँ से आती है तो महिला मंदिरात आगच्छति, महिला मंदिर से आती है। इसको ऐसे रहते कुछ हम लिख देते हैं वृक्षात, ये शब्दार्थ है, वृक्षात माने वृक्ष से। देखिए विद्यालयात माने विद्यालय से, पर्वता पाषाण, पाषाण माने पत्थर, उसके बाद में पर्वतात, पर्वत से, गिरिकात में लिखेंगे पंचम पाठ का अर्थ, फिर में लिखें।